नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्लस टॉप अपडेट्स में। टॉप अपडेट्स के स्पॉन्सर है लॉरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर कुल्लू। आइए नजर डालते हैं खास टॉप अपडेट्स पर। कुल्लू कॉन्वेंट स्कूल ने मनाया पर्यावरण दिवस। स्कूल प्रबंधक अध्यापकों व विद्यार्थियों ने किया पौधारोपण। 5 जून को मनाया न्यू ईरा मॉडर्न हाई स्कूल ने पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाषण प्रतियोगिता, नारा लेखन, पेंटिंग प्रतियोगिताओं का किया आयोजन। क्रिश्चियन नर्सिंग संस्थान कुल्लू में 5 जून को मनाया धूमधाम से पर्यावरण दिवस। नर्सिंग संस्थान में सेब के पेड़ों का किया वृक्षारोपण। काले सोने का व्यापार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में मणिकरण चौकी प्रभारी नंदलाल ने मणिकरण के पास सांगला पुल में एक नेपाली व्यक्ति से 7 किलो चरस बरामद की। कुल्लू की प्रसिद्ध संस्था कार सेवा दल ने की नई पहल का आरंभ। एक महीने में 3 से 4 जीप घास के गोसाधन बजौरा को देने की पहल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला के विभिन्न स्कूलों व शिक्षण संस्थानों जेबी पब्लिक स्कूल मनाली ने किए कार्यक्रम आयोजित। विभिन्न प्रतियोगिता व रैली के माध्यम से दिया पर्यावरण बचाव का संदेश। कुल्लू जोन की 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन। 24 विद्यालय के 557 छात्र ले रहे हैं प्रतियोगिता में भाग। लग घाटी के समालंग गांव में जंगली जानवरों का कहर। भालू ने कालिदास पर किया हमला। स्वच्छ भारत इंटर्नशिप के अंतर्गत 100 घंटे श्रमदान कार्यक्रम कसोल युवक मंडल द्वारा आयोजित। कसोल स्कूल के छात्रों ने रैली के माध्यम से किया लोगों को जागरूक। महादेव युवक मंडल शाला ने पर्यावरण के उपलक्ष्य पर किया पौधारोपण। लोगों को पेड़ लगाने के लिए किया जागरूक। पेश है अब टॉप अपडेट्स विस्तार से। देवभूमि कुल्लू के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में शुमार कुल्लू कॉन्वेंट स्कूल ने पर्यावरण दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापकों व स्कूल के प्रबंधक ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण को सुरक्षित रखने की शपथ भी ली। स्कूल के प्रबंधक मोहन कपूर ने इस दौरान सभी विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापकों को भी निर्देश दिए कि वे हर दिन इन पेड़ों का भी ख्याल रखें तथा इन्हें हर दिन समय समय पर पानी देते रहें। वहीं जिला कुल्लू के ढालपुर स्थित कुल्लू साइंस स्कूल में मंगलवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान इन प्रतियोगिताओं में इंटर हाउस भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता एवं साइंस क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। क्रिश्चियन नर्सिंग संस्थान कुल्लू में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य तौर पर सुखदेव मसीह मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टाफ एवं नर्सिंग छात्रों ने शिरकत की। नर्सिंग छात्रों ने नर्सिंग संस्थान से लेकर ढालपुर तक पर्यावरण को लेकर रैली का आयोजन किया। साथ ही नर्सिंग संस्थान में सेब के पेड़ का वृक्षारोपण सुखदेव मसीह मैनेजिंग डायरेक्टर के कर कमलों द्वारा किया गया। कुल्लू की प्रसिद्ध संस्था कार सेवा दल, जो अपने सराहनीय कार्य के लिए चर्चित है, इस संस्था ने एक नई पहल कुल्लू में शुरू की है, जिसके चलते कार सेवा दल ने बजौरा में गौसदन के लिए हर महीने 3 से 4 जीप घास के देने का निर्णय लिया है। कार सेवा दल ने इसका शुभारंभ जिला उपायुक्त के माध्यम से आज गौसदन को घास की एक जीप देकर किया। कार सेवा दल के अध्यक्ष मनदीप सिंह ने सभी जनता से अपील की है कि वे आगे आकर इसमें अपना सहयोग करें। हिमाचल प्लस के लिए कुल्लू से कमल किशोर की रिपोर्ट। पिछले दिनों तकरीबन 6 महीने पहले प्रशासन द्वारा बजौरा स्थित गौसदन चलाया जा रहा है, जिसमें पिछले कुछ समय से घास की कमी को देखते हुए कार सेवा संस्था द्वारा ये फैसला लिया गया कि हर महीने भिंडीबाई गौसदन में घास की व्यवस्था पहुंचाते रहेंगे। और ये शुरुआत आज डीसी साहब के कर कमलों द्वारा शुरुआत की गई। आज एक जीप घास की गौसदन में भेजी जा रही है और हर महीने तकरीबन 3 से 4 जीपें जो है कार सेवा संस्था द्वारा लोगों के सहयोग से भेजी जाएगी। मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से भी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा गौसदन है, ये केवल प्रशासन का नहीं है, ये हमारी समस्त कुल्लू जनता का है। यदि हमारे घर से सभी इस गौसदन के लिए सहयोग करें तो शायद हो सकता है कि आपको सड़कों पर ऐसे आवारा पशु घूमते नहीं दिखाई देंगे। और यदि इन पशुओं का को पशु प्रेमी भी इसमें अपना सहयोग करेंगे तो इस गौ सदन को प्रशासन को चलाना बड़ा आसान हो जाएगा। धन्यवाद।
जिला स्कूली क्रीड़ा संगठन उच्च शिक्षा द्वारा आयोजित कुल्लू जोन की 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन ए अंसारी निदेशक विमान सेवा प्राधिकरण भुंतर मनाली द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी अहम स्थान है, जिसमें सभी को हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने विद्यालयों को हर संभव सहयोग देने का भी आश्वासन दिया। इस खेल प्रतियोगिता में 34 विद्यालयों के 557 छात्र भाग ले रहे हैं, जो 3 दिवसीय तक कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो तथा बैडमिंटन में भाग लेंगे। समारोह में विशेष रूप से प्रधानाचार्य मृदुला शर्मा, सहायक राजनीतिक शिक्षा अधिकारी रतन भारद्वाज आदि अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हिमाचल प्लस के लिए बुंदर से संजय की रिपोर्ट। मैं मृदुला शर्मा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुंदौरा। आज से हमारे स्कूल अंडर 19 जोनल टूर्नामेंट बॉयज आरंभ हुए, जिसके मुख्य अतिथि ए अंसारी, डायरेक्टर एयरपोर्ट पोर्ट अथॉरिटी इंडिया हुए। उन्होंने इस समारोह का उद्घाटन किया और बच्चों की प्रतियोगिताएं विधिवत रूप से प्रारंभ करवाई। हमारे स्कूल में लगभग 34 विद्यालयों ने भाग लिया और 560 विद्यार्थी आए। स्कूल में विद्यार्थियों का रहने का प्रबंध बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। खाने का प्रबंध भी हमने स्कूल के अंदर ही किया है। हालांकि हमारे स्कूल का कैंपस छोटा है, फिर भी हमने बच्चों का अंदर ही सारा प्रबंध किया है, क्योंकि नेशनल हाईवे 7 होने के कारण हम बच्चों को बाहर उनका खाने का प्रबंध नहीं कर पाए। 5 जून को न्यू ईरा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी भुंतर के चेयरमैन प्रमोद शर्मा व प्रधानाचार्य पल्लवी जोशी व अन्य अध्यापक गणों ने पर्यावरण के उपलक्ष्य पर स्कूल परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया तथा लोगों को पर्यावरण का महत्व समझाते हुए एक भव्य रैली का आयोजन किया। इसके साथ ही स्कूल परिसर में पेंटिंग, नारा लेखन, भाषण प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रधानाचार्य ने बच्चों को पर्यावरण के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हिमाचल प्लस के लिए भुंतर से संजय की रिपोर्ट। 5 June 2018, सोसाइटी न्यू ईरा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, उन्होंने की हमारे इस काम में सराहनीय योगदान दिए। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर पर्यावरण संरक्षण व पौधारोपण का संदेश देने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष पहल करते हुए पर्यटकों और स्थानीय लोगों को पौधे वितरित किए। जिला मुख्यालय के ढालपुर चौक और भुंतर के सैनिक चौक पर जिलाधीश यूनिस ने पौधा वितरण कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए स्वयं सड़क से गुजरने वाले पर्यटकों को पौधे बांधकर उन्हें पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का संदेश दिया। इस अवसर पर यूनिस ने कहा कि लगातार बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के समक्ष कई चुनौतियां खड़ी हो गई है। इस अवसर पर यूनिस ने कहा कि लगातार बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के समक्ष कई चुनौतियां खड़ी हो गई है। इससे मानव सभ्यता के अस्तित्व पर ही बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इन चुनौतियों से निपटने और पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने की आवश्यकता है। अगर प्रत्येक नागरिक हर वर्ष कम से कम एक पौधा भी लगाए तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उसका ये बहुत बड़ा योगदान होगा। जिलाधीश ने कहा कि प्लास्टिक और पॉलीथीन का कचरा पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें आम दिनचर्या में प्लास्टिक व पॉलीथीन के सामान से परहेज करना चाहिए। यूनिस ने बताया कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का थीम भी प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति रखा गया है तथा आम लोगों को प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। डीएवी पब्लिक स्कूल मनाली में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया। प्रधानाचार्य सुरजीत राणा ने सभा को संबोधित करते हुए पर्यावरण दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि प्रत्येक नागरिक को अपने चारों ओर के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। इस वर्ष पर्यावरण दिवस का विषय बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन रखा गया है। इस उपलक्ष्य पर स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी करवाई गयी। वहीं पर्यावरण के उपलक्ष्य पर बंजार में भी स्कूली छात्राओं द्वारा रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। कुल्लू के लग घाटी के समालंग गांव में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ गया है, जहां पर कालिदास नामक व्यक्ति पर एक भालू ने हमला कर दिया। कालिदास ने जानकारी दी है कि वे जंगल में रोज बकरियां चराने जाता था, जहां भालू ने एक पेड़ के पीछे से उस पर हमला किया। कालिदास ने बताया कि उसके हाथ में एक बड़ा डंडा था, जिससे उसने भालू को जोर से मारा और उससे पीछा छुड़ा के भाग गया, जिसके चलते कालिदास का क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में इलाज चल रहा है। हिमाचल प्लस के लिए कुल्लू से कमल किशोर की रिपोर्ट।
हाँ जंगल में जा रहा था मैं, उतने को पड़ गया ना नुकसान। अब क्या पता जी, बकरियां नहीं हमने देखी, बकरियां वहां पर कोई भी नहीं थी, कोई भी बकरी, सिर्फ भालू ही थे वहां पर बैठा पेड़ के पीछे, वो मेरे को पड़ गया। मैंने खाई हुई बकरी भी नहीं देखी है, कितनी खाई है कितनी नहीं बचा। मेरे पास सिर्फ लकड़ का डंडा था, उसको मैंने एक हाथ से मारी और उसके एक नाक से लग गई। उसने मेरे को बाजू से पकड़ा यहाँ, और उसने एक बार छुड़ा लिया मैंने, दूसरी बार फिर पकड़ा उसने, फिर छुड़ा लिया मैं, तीसरी बार मेरे को उसने सिर में पकड़ लिया। फिर मैं उसको बड़ी ज़ोर से आवाज़ दे रहा, राड़िए दे दी, फिर मेरे को 6 फुट से ऊंचाई से उसने नीचे को गिरा दिया। फिर मैं वहाँ से भाग गया, फिर भागने के समय बाद मैं 2 बारी में गिर पड़ा, फिर वहाँ से गिरी पड़ा। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो मेरे पीछे नहीं आया, वहीं कहीं साइड में जा रहा था। वहाँ आवाज़ आ रही थी जंगल में कोई लकड़ी लुकड़ी की, जैसे चलता है मतलब कि बांध, वैसी आवाज़ आ रही थी। बूंदी के शिव मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में प्रवचन के 6वें दिन शिव मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया गया। सोमवार को शिव मंदिर में दोनों के प्रतीकात्मक विवाह के लिए स्वयंवर को पूरे विधि विधान के साथ आयोजन किया गया। कथा के 6वें दिन हरिद्वार से आए कथा व्यास भागवताचार्य पंडित पवन कृष्ण शास्त्री ने श्रद्धालुओं को धार्मिक प्रवचन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जागरूक किया। इसके साथ ही उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के दौरान श्रद्धालुओं को भगवान कृष्ण व रुक्मणी के विवाह प्रसंग के साथ ही कृष्ण लीला के अनेक प्रसंग सुनाकर निहाल कर दिया। इस अवसर पर मुख्य यजमान पुष्पा शर्मा, अनिल शर्मा, लीला शर्मा, अतुल सूद सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कृष्ण लीला का आनंद उठाया। हिमाचल प्लस के लिए भुंतर से संजय की रिपोर्ट। पुरुषोत्तम मास के पावन उपलक्ष्य में गुंतर कुल्लू क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन शर्मा परिवार के द्वारा किया जा रहा है। और आज समाज में, देश में धर्म की रक्षा के लिए भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, इन कथाओं की बहुत आवश्यकता है। भागवत कथा पंचम वेद कहा गया है और इसको अमर ग्रंथ भी कहा गया है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। माँ पार्वती को भगवान शिव ने अमर कथा श्रवण करा करके अमरत्व का वरदान दिया। और जब वेद व्यास जी महाराज को दुख हुआ कि कलयुग आने वाला और कलयुग में लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे, मोक्ष का साधन नहीं ढूंढ पाएंगे, तब देव ऋषि नारद जी से प्रेरणा पा करके वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। स्वच्छ भारत इंटर्नशिप के अंतर्गत 100 घंटे श्रमदान कार्यक्रम कसोल युवक मंडल द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पर्यावरण व स्वच्छता को लेकर लोगों को रैली के माध्यम से जागरूक किया गया। इस रैली में स्कूली छात्रों ने भाग लिया और लोगों को इस बारे में जागरूक किया। हिमाचल प्लस के लिए जरी से प्रेम की रिपोर्ट।